दो बच्चों की माँ रीना को जीने नहीं दिया गया। पति की हरकत और हसरत को वह भांप चुकी थी। पति शोभा प्रसाद अपनी भाभी नेमिन को प्यार करता था। दोनों एक ही आंगन में रहते थे। रीना ने कई बार ऐतराज जताया, पति शोभा से कई दफा पूछा भी, बताओ भाभी में ऐसी क्या चीज है जो मुझ में नहीं। नाक नक्श सुंदर रीना हर कोशिश की पति का दिल जीतने की, पर वह फिदा था अपनी भाभी पर। भाभी भी जान लुटाती थी देवर पर। अचानक शोभा का बर्ताव रीना प्रति बदल गया। रीना जान चुकी थी अपने पति की हरकत और हसरत को। इल्जाम है कि भाभी ने देवर को उकसाया था कि इस कांटे को सदा के लिए मिटा डालो। बीते 28 दिसंबर को रीना को जहर दे दिया गया। पेट में दर्द और गला दर्द से छटपटाती रीना ने फोन कर अपने भाई जितेंद्र महतो को बताया कि उसे जहर खिला दिया गया। रांची के बेड़ो में रहने वाला भाई यह खबर सुन तिलमिला उठा। उसने यह बात अपने चाचा को बताई। चाचा ने तुरंत अपने दामाद शोभा को फोन कर कहा कि किसी भी हाल में उसे राज हॉस्पिटल लेकर आओ। तब दामाद ने कहा कि अभी वह थका हारा है, वह जिए या मरे उसे मतलब नहीं। तब कुछ लोग रीना को बुंडू के ही एक सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां ठीक से इलाज किए बिना उसे घर भेज दिया गया। 29 दिसंबर को फिर रीना की तबीयत बिगड़ गई। उसे सेवा सदन में भर्ती कराया गया। यहां से भी दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। पुनः 31 दिसंबर को रीना को राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने आखिरी हिचकी ली। मरने से पहले रीना ने सब कुछ अपने घर वालों को बताया। उसने बताया कि उसके पति शोभा का नाजायज ताल्लुकात गोतनी के साथ था, इस कारण उसे जहर दे दिया गया। इस कांड का अनुसंधान कर रहे बुंडू के सब इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुनाहगार शोभा प्रसाद और उसकी भाभी नेमिन को गिरफ्तार कर लिया। शोभा बुंडू में रहता है, उसका अपना राशन दुकान है। सुने क्या बोले रांची के रूरल SP मोहम्मद नौशाद आलम और मृतिका रीना के चाचा परमा महतो। बच्ची की शादी जो है सो हाल में ही अभी बुंडू में हुई थी। शोभा प्रसाद उनके पति का नाम है। विवाद तो आपस में चल रहा था, जिसे मैके वालों का कहना था कि कहीं ना कहीं दहेज के लिए हमेशा ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। दो दिन पहले जहर खाने की बात सामने आई, जैसा लोग समाज के लोग बताए। बेहतर इलाज के लिए इनको बुंडू से जब सेवा सदन रांची लाया गया तो ट्रीटमेंट के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। और पूरे ससुराल इनके मायके वाले लोग आए और आके एक लिखित आवेदन दिए इंक्री थाना में, और मामला कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद इनकी मृत्यु हुई है इस दहेज को लेके ही। इस संदर्भ में उनके पति को और उनकी सास को डिटेन किया गया है। एक आदमी और भी डिटेन है। तहकीकात हम लोग शुरू कर दिए हुए हैं और केस किया गया है। पोस्टमार्टम का भी हम लोग वेट करेंगे। ये पूर्णतः कहीं ना कहीं दहेज का ही मैटर है। और हमारी जो भतीजी है रीना देवी, रीना कुमारी, उसको ससुराल में पॉइजन देकर मार दिया गया। और मारने वाला में शोभा, उसकी गोतनी, बड़ी गोतनी, और उसमें इसका हाथ इसका भी है, रोशन जायसवाल, ये बुंडू का है। हाँ, ये मंगलवार को 11 बजे घटना है। और घटना के बाद उसको लोग हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में हल्का फुल्का दवा करवाया, फिर घर ले आया। जब घर का गार्जियन, लड़की का गार्जियन, पापा और भाई आया, तब उसको बहुत मैंने दबाव देने पर वो रांची सदर अस्पताल ले गया, सेवा सदन ले गया वहां पर। और जब वहां ले गया, जब तक लड़की का पापा और उसका भाई पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तब तक उसको अंदर दिखा के डॉक्टर से फिर बाहर निकाल लिया जाता है और बोला कि डॉक्टर को लड़की को कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, घर ले जाइए। और घर जब ले गया, घर ले जाने के बाद में फिर उसको कोई ये नहीं किया गया, उसका 10 लाख सुला दिया गया और आगे फिर कुछ नहीं। उसका फिर दवा जो सरकारी दवा मिला तो वही दवा खिला रहा था। जब हमको पता चला, हम उसका चचा है, हमको पहले पता नहीं चल पाया था। जब बाद में हमको पता चला कि नहीं, ग्रोमोसोम दवा खाया है, तो हम तुरंत उसमें एक्शन में आए और बोले कि नहीं, सो जल्दी लड़की को हॉस्पिटल लाया जाए। सदर सॉरी नहीं नहीं जो राज हॉस्पिटल लाया जाए। हम डॉक्टर उक्टर का इंतजाम कर लिए थे। जब हम लड़का से बात किए, शोभा से बात किए कि लड़की को आप जल्दी लेकर आइए, बच्ची को उस दवा बहुत डेंजर दवा है, बहुत खतरनाक दवा है, उसको बचने नहीं देगा। तो शोभा का कहना है कि अभी हम बहुत थके हुए हैं, हम नहीं जा पाएंगे, चाहे वो मरे कि जिए। डेट कब हुआ? डेट हुआ ये कल बीफे था थी कल शुक्रवार
शुक्रवार को 11 बजे डेट कर गई। हाँ, 11 और 12 बजे के बीच वो डेट कर गई। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह और रूपम की रिपोर्ट।